शिक्षा के क्षेत्र में प्रेसिडियम और मदर्स प्राइड एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में अपनी खास पहचान बना चुका है। आज पूरे देश में इनके सैकड़ों ब्रांचेज हैं और इसी कड़ी में अब एक और संस्थान भी जुड़ चुका है, हरियाणा के सोनीपत में। ये मौका था सोनीपत के कुंडली में प्रेसिडियम स्कूल के नए ब्रांच इनॉग्रेशन और एनुअल फंक्शन का, जहाँ प्रेसिडियम और मदर्स प्राइड संस्थान के वरिष्ठ लोगों के साथ साथ राज्य सरकार और राजनीति से जुड़ी बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं। इस खास अवसर पर बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस साबित करते हैं कि प्रेसिडियम और मदर्स प्राइड स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का जरिया भी बनाया जाता है। प्रेसिडियम की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता ने अपने संस्थान की सफलता के 20 साल पूरे होने पर पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। दिस न्यू मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ प्रेसिडियम सोनीपत हैज बीन इनॉग्रेटेड टुडे। इट्स अ वेरी वेरी मोमेंटस डे फॉर ऑल ऑफ अस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड एंड आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर मदर्स प्राइड प्रेसिडियम फैमिली। And also, it is the occasion of our first annual function of Presidium Sonipat, and I am extremely eager and delighted to watch our little darlings of Presidium on the stage. On this very special moment, I would like to take this opportunity to thank and acknowledge some fraternities who are very, who played a very, very important role in making this happen. हरियाणा सरकार में मंत्री मनीष ग्रोवर भी इस फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे और हरियाणा सरकार की तरफ से प्रेसिडियम को पूरा सहयोग देने की बात कही। मुकेश गुप्ता को ये हरियाणा का सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, ललित बत्रा जी आपके बैठे, आप खाली सोनीपत नहीं पूरे प्रदेश में आएंगे। मैडम चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, सरकार आपकी हर तरफ से मदद करेगी। धन्यवाद भारत माता की। इस शानदार कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखा और तालियों के जरिए सराहा भी। स्वच्छ भारत के लिए बजा दी जाए। प्रेसिडियम फैमिली को उनके इस नए शुरुआत पर दिल्ली दर्पण टीवी की ओर से भी ढेर सारी बेस्ट विशेस। दिल्ली दर्पण, ब्यूरो रिपोर्ट।